कांग्रेस युवा कांग्रेस के चार बैंक खाते को फ्रीज होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। राष्ट्रीय दल के खाते को सीज करना मतलब सीधा लोकतंत्र पर हमला है। केंद्र सरकार की बौखलाहट दिखाई दे रही है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी राष्ट्रीय स्तर पे अभी अजय माकन जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के और युवा कांग्रेस के जो बैंक खाते हैं उसको सीज कर दिया गया। जो अभी क्राउड फंडिंग कर रहे थे उसके भी चेक को जमा नहीं किया जा रहा है। चुनाव सर पे है और इस प्रकार से करना, इसका मतलब आज तक के कभी नहीं हुआ था। और राष्ट्रीय दल के मुख्य विपक्षी दल के खाते को सीज कर देना, ये सीधा सीधा ये है कि लोकतंत्र पे हमला है। बकलाहट में दिखाई दे रही है केंद्र की सरकार और इस प्रकार से इस कृत्य कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ।